जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। सीबीएसई 12वीं और 10वीं के रिजल्ट आ गए हैं। अभी मेरे साथ हजारीबाग की टॉपर हैं जो 12th में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है। अभी तक तो यही पता है कि 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली हजारीबाग की निशा रानी हैं, जो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ती हैं। आइए जानते गुड हैं इवनिंग सर। तो कितना मार्क्स आया आपका, बाकी सब सब सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्या आया। सो हिस्ट्री में मेरे हैं 100, हिस्ट्री में 100। हाँ एक पॉलिटिकल साइंस में है 99, 99। ज्योग्राफी में है 97, इंग्लिश में 96, आईपी में 97 एंड अच्छा, पीएचई में 99। 99। तो यस सर। हिस्ट्री में 100 कैसे, मतलब एक ही स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं हुआ आजकल? आजकल तो स्पेलिंग मिस्टेक नंबर नहीं काटते हैं, लेकिन फिर क्या, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ कैसे? सर इसका लाइक 95% क्रेडिट गोज टू माई सर मोहम्मद जियाउद्दीन सर। ही इज़ वेरी नाइस हिस्टोरियन टीचर। ही इज़ सच एन, तो वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं, आपको जिस तरीके से आंसर लिखना सिखाते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और आप जब प्रीबोज देते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, वो आपको मतलब इंडिविजुअल जो वो आके आपको बताएंगे ये तरीके से आप सही कर सकते हैं। और कोई एवरेज बच्चा भी होता है जो थोड़ा मुश्किल, उसके लिए भी सर एक्स्ट्रा आप एफर्ट करना चाहते हैं, तो उनके वजह से ही हिस्ट्री, और उससे बिल्कुल। एक्सपेक्टेड भी था, हिस्ट्री का पेपर काफी अच्छा तो गया जैसे सर। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई स्कूल में 90 लाता है या 80 लाता है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 1% और ज़्यादा लाते, 82 क्यों नहीं लाए, 90 है तो 91 क्यों नहीं लाए, 95 क्यों नहीं लाए, कम हो गया। तो तुमको क्या बोलेंगे जब 100 लाई हो, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स, एक पर एक नंबर और ज़्यादा कैसे आएगा फिर? नहीं वो ऐसा कभी नहीं बोलते, लाइक हाँ दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड कि हाँ वो जैसा भी कर रही है अच्छा ही कर रही है। तो क्या है, जैसे आर्ट्स में हम देखेंगे, आर्ट्स स्ट्रीम में है ये, और आर्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स है 98.4। साइंस का जो लड़का है जेवियर में, वो 97 पॉइंट समथिंग लाया है, तो वो टॉपर है 97 लाके। और जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स की एक लड़की, वो में 92% ही कम रहा। तो कैसे तैयारी हुआ, मतलब क्या आर्ट्स में क्या इतना आसान होता है कि बहुत नहीं आसानी सर, से? कोई भी स्ट्रीम बिल्कुल बिल्कुल कोई भी स्ट्रीम आप कंपेयर नहीं कर सकते। सबकी स्टडी सब्जेक्ट जो होती है सब अलग होती है, और नन ऑफ देम इज इजी एंड नन ऑफ देम इज डिफिकल्ट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच। तो ह्यूमैनिटीज इज ऑल अबाउट सोसाइटी एंड आवर पास्ट लाइफ ऑल्सो, बट नॉट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अकबर बाबर मुग दैट वी नॉर्मली कॉल हिस्ट्री। तो ईजी नहीं है, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट विथ इंटरेस्ट कि हाँ अच्छा लगता है पढ़ना, आप वो जो पढ़ते हो उसे आस पास ऑब्जर्व करते हो, आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो आप पार्टीज का लड़ता हुआ देखते हो, दैट एवरीथिंग गोज। तो बस उसी तरह सिमिलरली आपको पढ़ना है, उसको इंटरेस्ट पढ़ना है, ऑब्जॉर्व करना है, सीखना है, तो उसे बस वही हो जाता है। तो जैसे क्या ये, मतलब आर्ट्स के बाद लोग क्या करेंगे? जैसे अभी साइंस पे हम लोग जानते हैं, एक ट्रेडिशन है कि भाई पीसीएम लेता है तो वो इंजीनियरिंग करेगा, आईआईटी में जाएगा, एनआईटी में जाएगा, और जो पीसीबी लेता है बायोलॉजी से तो वो मेडिकल करेगा या फिर इस तरह का सब्जेक्ट में जाएगा। लेकिन आर्ट्स लेने के बाद आप क्या, ड्रीम क्या होता है एक स्टूडेंट का? सो आई डोंट नो एनी बडी एल्स इज अवेयर ऑफ इट और नॉट, बट आई थिंक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इज हैविंग द लाइक मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी यू कैन हैव। यू कैन जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड अ लॉट मोर आर देयर। जर्नलिज्म लाइक यू एंड देर आर, हमारे बैच में भी काफी सारे स्टूडेंट्स वॉन्ट टू गो फॉर जर्नलिज्म। एंड ऑफकोर्स सबसे ज्यादा जो प्रेस्टिजियस IAS, IPS, IFS ये सब के लिए भी जो एस्पायर करते हैं, दे ऑल्सो बिल्कुल। स्टडी ऑल दोज हिस्ट्री थिंग। तो सर तो मतलब आपका क्या प्लान है, आर्ट्स सर आ आई गया वॉन्ट तो? टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस लाइक इन माई मास्टर्स एंड इन माई बैचलर्स। आई एम ईदर प्लानिंग, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन माई स्कोर, सो आई एम ईदर प्लानिंग टू स्टडी फॉरेन लैंग्वेजेस बिकॉज दैट्स एन आई फील एन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी। तो इसके एंड लिए क्या एग्जाम दे रहे हैं यस कि सर, नहीं आप CUET, पढ़? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, अच्छा, वो फॉरेन इंटरेस्ट लैंग्वेज के टेस्ट, लिए। यस सर, फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट भी हैं, तो वही दे रहे हैं। और आई थिंक बहुत अच्छा वो तो कॉमन मतलब फील्ड। वो ग्रेजुएशन के बाद आपका भी वही प्लान है, इंटरनेशनल रिलेशन में ही जाएंगे कि कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करेंगे? नहीं सर, सिविल सर्विसेज तो सोचा नहीं है, मतलब दैट्स अ रियली प्रेस्टिजियस जॉब, बट आई गेस दैट इज नॉट मेंट फॉर मी। आई अच्छा, मतलब थिंक आपने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया यस है क्या करना है। बहुत सोचा हुआ है सब लोग, ऐसे भी बहुत सारे लोगों का ये कॉमन नोशन होता है दैट यू आर टेकिंग आर्ट्स, ओ आर यू तो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एग्जैक्टली, जनरली यही तो माई होता है। आंसर इज नो बिकॉज लाइक आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम क्राउड। दैट्स अ गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, आई रिस्पेक्ट दैट ब्यूरोक्रेट्स का जॉब, बट स्टिल आई थिंक दैट इज नॉट मेंट फॉर मी। एंड इफ इन फ्यूचर आई विल गेट इंटरेस्टेड इन, आई विल श्योरली गो फॉर इट, बट राइट नाउ माई इंटरेस्ट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आई बिल्कुल। लाइक टू स्टडी इट। तो वो क्या है, एक पेरेंट्स जैसे होते हैं आपके, वो
चाहते हैं कि आपके बच्चे क्या करें, तो क्या पेरेंट्स को पता है कि आप आगे क्या करेंगे, या फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आपको ये करना है, या फिर वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और बन रही हैं, ऐसा कुछ सर, होता कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में होते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशंस, बट स्टिल माई पेरेंट्स समटाइम्स टेल मी कि ये भी कर लो, तो आई समटाइम्स लाइक इंटरेस्ट देम, बट दे हैव मोस्टली अलाउड मी टू डू दैट बिकॉज अभी जनरेशन आई लाइक 10th में भले हमारे एग्जाम नहीं हुए बट आई वॉज अ गुड स्कोरर देयर ऑल्सो, तो दे अच्छा. कुड हैव फोर्स मी कि साइंस लो बेटा या कॉमर्स ले लो, बट दे डिडंट फोर्स मी, आई सेड आई वॉन्ट टू टेक आर्ट्स एंड दे रिस्पेक्टेड माई डिसीजन. मम्मी से भी पूछेंगे हम, मम्मी खड़ी होकर यस बहुत मुस्कुरा रही होंगी. तो ये बताइए कितना पढ़ना पड़ता है? जैसे हमने देखा है साइंस के स्टूडेंट्स को, वो 8-8 घंटा पढ़ते हैं और बहुत जाग जाग के पढ़ते हैं, और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी देखा है बहुत मेहनत करते नहीं कभी हैं, देखा. मैथ्स वाले को भी देखा है. तो क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी उतना ही पढ़ते हैं 8-8 घंटा? क्योंकि 98% लाना कोई आसान बात तो है नहीं, तो क्या उतना ही पढ़ना पड़ता है या कि सब कुछ हो जाता है 2 घंटे में नहीं अगर? सर, सक्सेस फॉर्मूला तो सबका अलग होता है, सब लोग अलग पढ़ते हैं, बट यू आप 6 घंटे भी पढ़ो या 8 घंटे पढ़ो या आप 3 घंटे भी पढ़ो, क्वालिटी मैटर्स कि आप जो पढ़ रहे हो वो दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, इधर यू नो बाय लाइक टेकिंग ऑल द फॉर्मूलाज इनसाइड एंड रेस्ट डे यू फॉरगेट एवरीथिंग, दैट्स नॉट अ नाइस थिंग. बिल्कुल. तो यू शुड बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड कि आपको क्या चाहिए, सब कुछ पढ़ना इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल तो सर बींग कंसिस्टेंट आई थिंक इज द मोस्ट बिल्कुल. तो इम्पॉर्टेंट देखिए थिंग. इधर जो मम्मी खड़ी हुई हैं इनके, आइए उनसे भी जानते हैं आप क्या चाहती हैं कि आपकी बेटी क्या पढ़े और वो जो बनना चाह रही है वो सच में उसका जो आइडिया है ठीक है. आपको तो ये नहीं पता कि वो क्या पढ़ेगी, उसका जो मतलब जो उसको अच्छा लगेगा उसका जो चॉइस का कि हम ये चीज हमको अच्छा लगेगा तो उसमें जो जो उसमें उसको अच्छा लगेगा हम उसी में पढ़ने के लिए उसको आपका ऐसा भेजेंगे. कुछ इच्छा नहीं है कि ये मेरा को बन के ये ऐसा नहीं पढ़ाई करके है, बने? नहीं बने कुछ भी बने वो जो भी करे नहीं, अच्छा मतलब करे. ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ऐसा दिमाग में रखे हैं कि आईएएस में जाए या ऐसा कुछ मेरा तो करें. वैसा कुछ नहीं सोच है, लेकिन हाँ इनके पापा का सोच है कि हाँ मेरी बेटी आईएएस का अच्छा, इनके तैयारी पापा करी है. मतलब सोचते हैं हाँ आईएएस की तैयारी हाँ करें, आईएएस की लेकिन तैयारी करी है. बेटी तो कुछ और अभी करेगी, वो हाँ इंटरनेशनल रिलेशन करना है. तो आप जानती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है, कैसे होता है? नो नहीं पता है तो खैर कोई नहीं. तो कैसे आपने क्या सपोर्ट किया, जैसे खाना बनाने में ये हेल्प करती है कि नहीं, ऐसा या कैसा खाना बनाती है कुछ जानती है कि नहीं? हेल्पफुली करती है वो, पढ़ाई में ध्यान देती है पूरा पढ़ाई ज्यादा. में सारा काम आप हाँ करती हम हैं. जब कहीं नहीं रहते हैं तब वो खाना बनाने जो भी बनाएगी सब्जी रोटी कुछ भी तो बना देगी, ऐसे बोलिएगा कहेगी नहीं तुम है तो तुम ही बनाओ, हम नहीं आपका बनाएंगे पूरा खाना सपोर्ट वाना. रहा है उसका पढ़ाई में? हाँ आप सब पढ़ाई में सपोर्ट रहा है कैसे हाँ. नहीं, उसका पढ़ाई करना मन लगता है तो पढ़ती है, काम नहीं करती तो पढ़ती है अपना बिल्कुल. लेकिन अभी तो. तो खाना बनाने आना चाहिए ना, आजकल तो मतलब जरूरी है, हाँ लड़का को भी आना चाहिए, लड़की को भी थोड़ा आना बहुत चाहिए, आता है, वो भी सिखाना थोड़ा बहुत पड़ेगा आता ना. है, रोटी सब्जी बना ही लेती है, चावल हाँ वल हाँ ये क्योंकि अब वो सब आगे जाएगी, चाउमीन हॉस्टल में रहेगी, अकेले चाउमीन रहना पास्ता, पड़ेगा. हाँ हाँ वो सब बना लेती है अच्छा, लगभग में. चलिए मतलब ठीक है हाँ ना, हाँ लेकिन पढ़ाई में लगभग. डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए है ना, नहीं उसके लिए नहीं आप पूरा फ्री है एनी टाइम, है ना? हाँ तो यही बोले है. चलो माँ उनको पढ़ाई करना है तो फिर उसको क्यों परेशान करे, चलो क्या अपना बिल्कुल. तो ठीक देखिए है तो यही अपना. है, आप पढ़ाई करते हैं या फिर आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. लेकिन अकेले जब देखते हैं हम लोग कोरा मटवारी जाते हैं लॉज में, बहुत लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है कि उनके पेरेंट्स जो है वो खाना बना बना के दे और वो पढ़े. तो यहाँ पे थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है यहाँ के लड़कों को और लड़कियों को जो बाहर आती हैं घर से, और वो खाना ही बनाती हैं और पढ़ाई भी करती हैं. तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है, जो लोग खुद खाना ही बनाते हैं पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई का टाइम दोनों मैनेज करते हैं वैसे आई थिंक सर दे ही? आर लाइक वेरी हार्ड वर्किंग एंड मैनेजिंग योर कुकिंग एंड यू नो क्लीनिंग ऑल दोज थिंग्स जो आप बचपन से नहीं करते आते हो. बहुत कम पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि यू शुड बी लाइक डूइंग दिस क्योंकि आप बाहर जाओगे तो खुद से करना है, बिल्कुल. तो आई थिंक सर दे आर रियली क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो 12th के बाद बाहर यस सर जाएंगे ही, तो यस सर, तो वो भी आपको भी सीखना सिचुएशन फेस पड़ेगा. करना पड़ेगा. तो बिल्कुल. हाँ मैनेज कर सकते हैं अगर आप रूटीन बना के काम करे, थोड़ा टाइम नहीं, कभी कभी होता ही है एग्जाम के टाइम आप स्ट्रेस हो जाते हो, कम खाना खाते हो, बट दैट्स ओके, धीरे धीरे लाइक एवरी टाइम यू कांट बी फ्लैट, इट्स गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज. तो आई थिंक लाइक दे ऑल्सो लीव देयर फैमिलीज फार ऑफ इन विलेजेस और सिटीज एंड दे मूव आउट, सो बिल्कुल तो इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा लैक करता है उन लोग में, बिल्कुल. बट स्टिल दे मैनेजेस एंड आई थिंक दे आर वेरी इंस्पायरिंग. तो हिस्ट्री में 100 लाया है इन्होंने, आप हजारीबाग के हिस्ट्री में क्या बता पाएंगे? हिस्ट्री में आपका 100 है तो कुछ. सर पर सच्ची बोलूँ तो हजारीबाग की हिस्ट्री में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं एंड आई डोंट आई थिंक दैट्स माई फॉल्ट स्कूल में ही पढ़ाया नहीं जाता. सर, वही मैं बोलने वाली थी कि एजुकेशन सिस्टम में वही
पुरानी बातें रखी हुई हैं कभी, बट हमारी जो टीचर है वो बहुत ज्यादा हमें हमेशा लाइक यू नो दे इंस्पायर अस कि तुम कभी जाओ, बिकॉज वी नो झारखंड इज अ ट्राइबल स्टेट एंड वी शुड गो टू मीट यू नो इन लाइक फॉरेस्ट, ट्राइबल पीपल से मिलना, उनके कल्चर से घुलना मिलना. तो उन्होंने बहुत कुछ बताया है कभी कभी, तो जैसे वो तो सीता याद का नहीं है रहता एक. है ना, वो तो याद नहीं रहता है, वो यस याद नहीं सर. रहता है। आप जब तक एग्जाम नहीं देते हैं या उसके लिए पढ़ाई नहीं करते तो वो दिमाग में होता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि हजारीबाग हिस्ट्री या झारखंड हिस्ट्री जो है सीबीएसई बोर्ड में तो उतना होता नहीं है, नहीं सर. तो क्या वो डालना चाहिए यस कोर्स सर, आई थिंक ऑफ कोर्स में? डालना चाहिए, बिकॉज रादर देन नोइंग अ लॉट एंड लॉट अबाउट दोज वर्ल्ड एंशियंट रूलर्स हिस्ट्री जो है चले एंड गए, वी हाँ शुड बी मोर वोकल अबाउट अवर लोकल हिस्ट्री. तो वो नहीं है यहाँ पे। यस सर. एंड वन मोर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू पॉइंट इट आउट, दैट आवर टीचर्स टॉट अस, बिकॉज देयर वॉज यू नो आई डोंट नो वेदर पीपल आउटसाइड झारखंड नो इट नॉट और नॉट, बट द फर्स्ट रिवोल्ट दैट हैपेंड इन इंडिया वॉज संथाल रिबेलियन 1855 टू 1856, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो. एंड देर इज अ लॉट ऑफ लाइक हम लोग बहुत सारे पढ़े वो तो पहा झारखंड का हिस्ट्री हो झारखंड का गया। हिस्ट्री हो आप गया. जिस शहर में रह रहे हैं सोचिए कितना माइक्रो करना पड़ेगा सो एडुकेशन बहुत को। रिच कल्चरल हेरिटेज है हजारीबाग का भी, फिर आसपास एक सीतागढ़ साइट है, वहां भी बहुत ज्यादा एक्सकवेशन होते ही रहते हैं. और हम लोग जाने का मौका तो नहीं मिला, बट सर हम लोग को जितना बताते हैं वहाँ के एक्सकवेशन के बारे में वो सब जान के बहुत इंटरेस्ट लगता है, बिकॉज आर्कियोलॉजी इज वेरी नाइस थिंग. और हजारीबाग एंड झारखंड को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला, बट स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव इम्पोर्टेंस, देन वी कैन इनरिच आवर यू नो हिस्ट्री. बिल्कुल, तो एंड जरूरी है। देखिए जैसे हिस्ट्री में इन्होंने 100 लाया और जो पढ़ाई की है वो अपने शहर के बारे में उतना नहीं पढ़ाई हुआ है, ना स्कूल में इतना ज़्यादा पढ़ाई हुआ है ना इन्होंने खुद से पढ़ाई की है। तो अभी शहर के बारे में अगर 100 सवाल करेंगे या 10 सवाल भी करेंगे तो शायद उसमें से 4 बता पाएंगे या फिर 2 बता पाएंगे। यही देखिए रीज़न है अभी एडुकेशन सिस्टम में अपने शहर अपने स्टेट को जानने के लिए वो शायद अभी तक इनकलकेट नहीं हुआ है, मतलब पूरे सिस्टम में, क्योंकि 10th में यस भी सर. शायद नहीं पढ़ाया जाता नहीं है। सर, 10th में तो और हिस्ट्री है, लाइक दे आर वन ऑफ देम आर रिलेटेड टू यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड सम आर रिलेटेड टू इंडियन लाइक व्हाट हैपेंड इन रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड सेम इज एक्सप्लेन इन डिटेल. बिल्कुल, तो सो वही है, वही एंड सो मैं वन मेरा मोर मेरा थिंग. पॉइंट यही था कि 100 यस सर. लाया है आपने यस सर. और हिस्ट्री के बारे में आप सब कुछ नहीं जानते हैं, यस सर. तो आप 12th हो गए हैं, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो शायद उसमें भी तो नहीं रहेगा, वो तो उसमें अपना तो अलग ही रहेगा। फिर मास्टर्स करेंगे तो अपने शहर अपने स्टेट के बारे में कब जानेंगे लोग, कैसे ऐसे ही घूम घूम के या इन्फॉर्मेशन कैसे जाना, सर, कोई कोई मेथड तो होगा। यस सर, आप आगे जाके यूट्यूब. हिस्टोरियन बनेंगे शायद, तो कुछ तो डिवाइस ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। यस सर. हाँ सर, एक हो सकता है टू कीप यू नो अ सेपरेट क्लास फॉर योर लोकल हिस्ट्री, लोकल क्विजेस आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो. एक और प्रोसेस हो सकता है टीचर्स टेकिंग आउट स्टूडेंट्स, जैसे हाँ कोविड के कारण बहुत कुछ ट्रिप रुक के लिए। गया. हाँ, हाँ ट्रिप्स ले जाना, हम लोग का स्कूल भी ले जाया करता था, बट इस कारण बहुत सारा कोविड रेस्ट्रिक्शन कारण लोग जा नहीं पाए. तो टेकिंग आउट देम टू ट्राइबल एरियाज टू अंडरस्टैंड. फिर हमारे जो झारखंड का सोहराई आर्ट है जो कि कितना पॉपुलर एंड बिल्कुल सो ब्यूटिफुल, एवरीवेयर ऑन द वॉल्स दे आर पेंटेड एंड लाइक दे आर नॉट मच रिकॉग्नाइज्ड. तो वी शुड नो मोर अबाउट देम बाय इनकल्केटिंग इन टू आर्ट क्लासेज और लाइक नॉलेज बेस्ड क्लासेज, बिकॉज पीपल स्टडी ओनली वेन दे हैव टू गिव इट टू जेपीएससी, अदरवाइज दे डोंट स्टडी हिस्ट्री ऑफ झारखंड, हाँ वही बोल रहे हैं, जो जेपीएससी देगा वही पढ़ेगा नहीं तो अदरवाइज फिर कोई नहीं जानना ही पढ़ेगा। नहीं चाहेगा. लेकिन तो आई जो थिंक 10th और 12th में यहीं से पढ़ रहा है, हजारीबाग के स्कूलों में पढ़ रहा है, और यहाँ तो स्कूल भी बहुत सारे खुल गए हैं, और अपना बच्चा जो है यहाँ का वो इसके बारे में नहीं जान रहा, तो कितनी मतलब ये ऐसी बात है सर सर, कि दिस इज वेरी लाइक आयरॉनिकल कि वी लिव इन दिस बिल्कुल प्लेस एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस. तो आई थिंक चिल्ड्रन शुड बी लाइक पेरेंट्स ऑल्सो शुड प्ले कि थोड़ा थोड़ा कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में बताए, जो वो यहाँ रहें, जो वो देखे, तो बिल्कुल दे विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज फ्रॉम स्टार्टिंग दे विल बी इन टू बुक्स, वही चीज, एंड दैट्स व्हाई दे फील बोरिंग कि बिल्कुल वही मुगल वही पढ़ते आ रहे हम लोग, कभी लोकल कल्चर के बारे में बताया ही नहीं कभी किसी ने. तो आई थिंक वी शुड तो इनकलकेट इनका सम. हिस्ट्री में 100 आया था इसलिए सवाल पूछ लिया। इनके शायद पापा आ गए हैं, कहाँ हैं आपके पापा? आप हैं हाँ, तो इनके पापा शायद अभी विष्णुगढ़ से आए हैं काम करके। आपकी बेटी टॉप की है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पता कब चला आपको? पता है इवनिंग में। इवनिंग पता चला, फोन करके बताया गया। जी, और क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, बर्तन दुकान है। अच्छा, कहाँ? वही विष्णुगढ़ में? जी, तो रोज आना जाना करते हैं यहाँ डेली से. अप एंड डाउन करते हैं, तो आपका क्या सपोर्ट रहा बेटी को पढ़ाने में? पढ़ने फुल फ्री छोड़ दिए उसको पढ़ने के लिए। तो आपकी जो वाइफ है वो बता रही थी कि चाहते हैं आपकी बेटी आईएएस पढ़े शायद. जी, वो हम भी बोल रहे थे कि हाँ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, हाँ तो ये चाह नहीं रही, बोली कि नहीं दूसरा कुछ अच्छा. तो कुछ प्रेशर नहीं डाल रहे हैं ना, फोर्स ना, नहीं डाल रहे, जो करना है वो जो करो. करना है स्वेच्छा से। बिल्कुल. तो देखिए इनके फादर थे, और वही है, हर पिता जो चाहता है कि उसकी बेटी आईएएस निकाले, ऐसा समाज में
एक है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और इसी तरह से आप अपने जो गोल है, जो करियर है, उसको अचीव कीजिए, और थैंक यू 98.4% लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। हजारीबाग में शायद किसी ने इतना नहीं लाया है 12वीं में। तो यही था, आज CBSE के टॉपर से हम लोग मिल रहे थे। नाम है निशा रानी, नूतन नगर में ये रहती हैं और सेंट जेवियर स्कूल की स्टूडेंट हैं। अब आगे जाके इनका जो करियर है, वो आगे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करना चाहती हैं। देखते हैं आगे इनका जो गोल है वो अचीव होता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर जोहार हजारीबाग। धन्यवाद। थैंक्स।